हाय गाइस, आपका स्वागत है द न्यूट्रिकल चैनल पे। मेरा नाम है निताशा सिंह, NA नहीं NI है। आप देख सकते हैं यहाँ पे नाम मेरा लिखा हुआ है निताशा। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सैमसंग M40 के बारे में। इस डिवाइस को मैं लास्ट 10 डेज से यूज कर रही हूँ और अभी परसों ही इसकी सेल स्टार्ट होने वाली है, तो इस वीडियो में मैं आपको क्लियर कर दूंगी कि आपको इस फोन को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है इस डिवाइस के बारे में वो है इसका डिस्प्ले। कहने को तो आप कह सकते हैं कि इसके अंदर हमें TFT पैनल मिलता है, 6.3 इंच का डिस्प्ले है, फुल HD प्लस रेजोल्यूशन मिलती है, लेकिन एक्चुअल में इसका जो डिस्प्ले है वो हमारा काफी कमाल का डिस्प्ले है। और ये चीज ये है कि आप जब डिवाइस को खुद यूज करेंगे तब आप ज्यादा अच्छे से फील कर पाएंगे। अभी आप देख सकते हैं कि ये हमारा सैमसंग M40 है और इसके साथ अगर मैं आपको ये सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिखाऊं A50 का, तो दोनों के अंदर आप देख सकते हैं मैंने सेम पिक लगाई है और दोनों में से मुझे पर्सनली तो देखने में M40 का ज्यादा कूल लग रहा है। मतलब डिस्प्ले हमारा एकदम ब्राइट कलरफुल सा हो गया, उसके साथ व्यूइंग एंगल्स भी आपको इसमें काफी अच्छे मिल जाते हैं। वैसे तो मैंने इसका कंप्लीट डिस्प्ले टेस्ट किया हुआ है, वो देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसके सारे टेस्टिंग के लिंक आपको मिल जाएंगे। लेकिन वैसे देखा जाए तो सिर्फ ये नहीं कि ब्राइटनेस वाला बढ़िया डिस्प्ले है, आप ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर हमें ईयरपीस नहीं मिलता है, बल्कि हमें मिलता है ऑन स्क्रीन साउंड टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी से सैमसंग ने एक्चुअल में बहुत बड़ी दिक्कत होती है फोन यूज करते हुए वो सॉल्व कर दी है। मतलब जब भी हम फोन को नया नया खरीदते हैं तब तो आवाज एकदम ईयरपीस में क्लियर आती है, लाउड आती है, लेकिन कुछ टाइम यूज करने के बाद ये होता है कि आवाज आपको कम आनी शुरू हो जाती है ईयरपीस की, थोड़ी सी उसके अंदर दिक्कत आने लग जाती है कि क्लियर नहीं आ रही है, लाउड नहीं आ रही है। उसका कारण ये होता है कि जो हमारा ईयरपीस होता है, जो बाकी की डिवाइसेस आप देख सकते हैं, उनके अंदर थोड़ी सी डस्ट अटक जाती है, मतलब मिट्टी अटक जाएगी या कुछ भी उसके अंदर चीजें चली जाती है। लेकिन इसके अंदर हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, आपको ईयरपीस मिलता ही नहीं है, आपको मिलती है एक टेक्नोलॉजी जिससे कि साउंड जो है आपकी वो स्क्रीन से रिफ्लेक्ट होके आती है। तो आपको जो आज साउंड मिल रही है, मतलब एकदम क्लियर लाउड साउंड मिलती है इससे फोन पे बात करने में, तो वही साउंड आपको आगे भी मिलेगी, चाहे 6 महीने बाद देखें आप, चाहे 1 साल बाद देखें। तो ये एक बढ़िया चीज है, सैमसंग ने इतनी छोटी चीज पे भी वर्क किया है। वैसे इस डिवाइस का मैंने ऑडियो टेस्ट कर दिया है लेकिन अभी अपलोड नहीं किया, लेकिन सेल से पहले अपलोड कर दूंगी मैं ताकि आप उसको देख सकें, थोड़ी सी एडिटिंग उसमें मेरी बाकी है। अब इसकी अगर मैं वैसे आपको ऑडियो क्वालिटी बताऊं तो इस डिवाइस का ऑडियो आउटपुट हमारा बहुत ही बढ़िया है। सबसे पहले तो कॉल क्वालिटी जो है वो हमें बढ़िया मिल जाती है, आप थोड़े शोर में भी बात करेंगे तो भी दिक्कत नहीं आएगी, आपको एकदम क्लियर लाउड साउंड मिलेगी। इसके बाद जो इसका स्पीकर है वो हमारा ओके है, ज़्यादा लाउड नहीं कहेंगे उसको, लेकिन आपको साउंड जो मिल रही है वो एकदम क्लियर मिलेगी। और इसके साथ बॉक्स के अंदर जो हमें ईयरफोन्स मिलते हैं वो भी क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छे हैं और उनकी ऑडियो क्वालिटी भी हमें बहुत ही बढ़िया मिलती है। अब जैसे कि इस डिवाइस को मैं कुछ दिनों से अपने मेन फ़ोन की तरह यूज़ कर रही हूँ, तो इसके साथ मैं अपने ब्लूटूथ ईयरफोन्स को कनेक्ट करती हूँ, जिनको कि मैं यूज़ करती हूँ कॉलिंग के लिए और साथ ही म्यूज़िक सुनने के लिए। तो मेरा ये हिसाब होता है कि डिवाइस को एक जगह रख दो, अब आराम से घूमो। तो इसकी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी हमें बहुत ही बढ़िया मिलती है, मैं मतलब दूसरे रूम तक भी आराम से पूरा घूमकर आती हूँ, पूरा डोर बंद होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं आती। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी हमारे सैमसंग की बहुत ही बढ़िया है, साथ ही इसके अंदर हमें ब्लूटूथ में जो ऑडियो मिल रहा है, ऑडियो आउटपुट भी आपको काफ़ी बढ़िया मिल जाता है। ऑडियो टेस्ट आपको जल्द देखने को मिल जाएगा, पूरी तरह से देख पाएंगे। अब इसके साथ इस डिवाइस के अंदर हमें वाइड वाइन L1 का भी सपोर्ट मिलता है, तो आप इसके अंदर नेटफ्लिक्स या Amazon प्राइम में फुल HD में भी वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। तो डिस्प्ले वाइज तो बढ़िया हो गया, ऑडियो आउटपुट भी आपको बढ़िया मिल रहा है। अब इसके साथ एक और इंटरेस्टिंग चीज ये आ जाती है कि जैसे कि जो हमें इसके अंदर पंच होल मिलता है, ये बहुत ही मजेदार लगता है यूज करने में, और अगर आपके डिवाइस के डिस्प्ले को ही अगर कोई बंदा दूर से देखे तो उसको ये लग सकता है कि आपने सैमसंग S10 पकड़ा हुआ है। तो ये एक और बढ़िया चीज होगी, मतलब आपको S10 वाली फील मिल रही है आपको इस बजट के अंदर। अब साथ ही जो इसका पंच होल है उसके अंदर भी हमारा जो सेल्फी कैमरा है वो हमारा 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। हमें M30 के अंदर भी 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल रहा था, लेकिन ये दोनों सेम नहीं है, इसका एक्चुअल में सेल्फी कैमरा थोड़ा इम्प्रूव किया गया है। और आप देख सकते हैं, आपको पिक्स दिखाती हूँ, ये आप देख सकते हैं ये हमारा M30 का है, सेल्फीज मैंने ली हुई हैं इसके अंदर, और ये हमारा M40 है। आप खुद ही देख सकते हैं कि डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है, मतलब जिन लोगों को भी सेल्फी लेने का शौक है उनको बहुत ही पसंद आएगा M40 का सेल्फी कैमरा, और मज़े से आप अपनी बढ़िया बढ़िया सेल्फीज ले सकते हैं, इमोजीज भी बना सकते हैं, अपने स्टिकर्स को इंजॉय कर सकते हैं। मतलब देख सकते हैं आप, इमोजीज क्रिएट करना काफ़ी ईजी है और मज़े से इंजॉय कर सकते हैं इस डिवाइस के सेल्फी कैमरा को।
अब इस डिवाइस के अगर हम बैक कैमरा की बात करें तो उस पर भी सैमसंग ने कमाल ही कर दिया, क्योंकि हमें इसके अंदर सैमसंग A70 वाला कैमरा सेटअप मिल रहा है। 32 मेगापिक्सल का जो मेन लेंस है उसके साथ हमारा 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल और 5 मेगापिक्सल का हमारा डेप्थ सेंसर। तो आप देख ही सकते हैं पिक्स हमारी काफी अच्छी आ रही है। मैं आपको कुछ सैंपल्स दिखा रही हूँ और ये आप देख सकते हैं डिटेलिंग हमारी बहुत ही बढ़िया है, एक्सपोजर को पूरी तरह अच्छे से मेंटेन करता है ये इसका कैमरा। और कलर्स बहुत लोगों को अच्छे नहीं लगते कि ओवर सैचुरेटेड कलर्स जो होते हैं वो बहुत लोगों के मुझे कमेंट आते रहते हैं कि नहीं अच्छे लगते हैं, तो इसमें आपको एकदम नेचुरल कलर्स मिल रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं डे लाइट पिक्स भी है हमारे पास, इसके अंदर भी हमारे डायनेमिक रेंज बहुत ही बढ़िया मिल रही है हमें। अब साथ ही एक और चीज़ है कि इस डिवाइस के अंदर हमें नाइट मोड नहीं मिलता, लेकिन आप ये देख सकते हैं ये मेरी लो लाइट पिक है और लो लाइट पिक में भी नॉइस नहीं हमें देखने को मिल रही, फोकस भी बढ़िया हमें मिल रहा है। और साथ में ये आप देख सकते हैं ये पूरी मतलब डार्क एनवायरनमेंट की पिक है, एकदम लाइट्स ऑफ करी हुई थी मैंने, लेकिन नॉइस कितनी कम आई है, मतलब फ्लैश ऑन करके पिक ली है और एकदम कमाल के कलर्स आ रहे हैं, कमाल का फोकस आ रहा है। देखा जाए तो नाइट मोड दिया नहीं है हमें सैमसंग ने, लेकिन हमें नाइट मोड में पिक्स बढ़िया मिल रही हैं। तो कैमरे को आप मतलब डे लाइट पिक देखो एकदम जो मैंने धूप पे ली थी, और उसके बाद एकदम नाइट पिक देखो, आप कोई भी टाइप की पिक लो आपको बढ़िया पिक्स मिलेंगे इस डिवाइस के साथ। अब इसके साथ अगर इसकी वीडियोग्राफी की बात करें तो इस डिवाइस के अंदर हमें स्टेबल वीडियो मिल जाता है और अच्छे फोकस वाला वीडियो होता है, कलर्स भी हमारे एकदम बढ़िया रखता है, लेकिन अगर आप थोड़े से डार्क एनवायरनमेंट में इसके अंदर वीडियो बनाएंगे तो कैमरा थोड़ा सा स्ट्रगल करता है फोकस लेने में, बाकी वीडियो आपका स्टेबल आएगा, बढ़िया आएगा। साथ ही इसके अंदर आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं और सुपर स्लो मोशन दोनों शॉट मिलते हैं। ये आप देख सकते हैं ये है हमारा स्लो मोशन शॉट और ये है हमारा सुपर स्लो मोशन शॉट। तो कैमरा वाइज तो डिवाइस आपको बहुत ही पसंद आएगा, बैक कैमरा देखें, फ्रंट कैमरा देखें, बहुत अच्छे से सैमसंग ने इस पे वर्क किया है। अब इसके बाद मुझे बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए थे, क्वेश्चंस आए थे इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस पबजी परफॉर्मेंस से रिलेटेड, तो उसके लिए सबसे पहले तो मैंने आप लोगों के लिए इसका कंप्लीट गेमिंग रिव्यू कर दिया है। मैंने इसके अंदर 1 घंटे 10 मिनट 15 मिनट की गेमिंग करी थी और उसमें आप उस वीडियो को देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो गेमिंग परफॉर्मेंस एक्चुअल में देखी जाए तो वो हमारी इस डिवाइस की काफी बढ़िया है। हमें इसके अंदर स्नैपड्रैगन 675 का प्रोसेसर मिलता है जो कि आपको अच्छी परफॉर्मेंस दे देगा। मतलब सीधा मैं आपको बता रही हूं इन नटशेल, सीधा ये डिवाइस हमारे जो हमारा रेडमी का नोट 7 प्रो है और रियलमी का रियलमी 3 प्रो है उनको सीधा गेमिंग में किल कर देता है। उनमें अगर आप गेमिंग देखें, मतलब पबजी की बात कर लेते हैं, गेमिंग सेटिंग्स जो हैं पबजी के अंदर वो हमें मिलती है HD ग्राफिक्स पे, और इसके अंदर हमें HDR ग्राफिक्स की भी ऑप्शन मिलती है। मैंने उस गेमिंग रिव्यू में आप देख सकते हैं खेला है HDR में, बढ़िया गेमिंग परफॉर्मेंस मिलती है हमें। सो ये गेमिंग में तो पूरी टक्कर दे रहा है इनको। अब इसके बाद अगर हम इसकी रैम मैनेजमेंट यूजर एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो वो भी हमारा डिवाइस का काफी अच्छा है, क्योंकि हमें इसके अंदर 1 UI का इंटरफेस मिल जाता है, तो एकदम स्मूथ आपकी एप्स लोड होंगी, आपको यूज करने में डे टू डे एक्टिविटीज में यूज करने में डिवाइस एकदम स्मूथ लगेगा, मजे से यूज करेंगे। इसके साथ इस डिवाइस का अगर एंटूटू स्कोर भी हम देखें तो वो भी हमारा 1,72,000 आया है, जो कि इस प्रोसेसर के हिसाब से हमारा ठीक है। साथ इसके अंदर आपको डिवाइस के अंदर सारे सेंसर्स मिल जाते हैं, साथ में NFC मिल जाता है। और इसके बाद जो इस डिवाइस का सबसे कूल इफेक्ट मुझे लगा यूज करने में, मतलब जो मजा ही आ गया, वो था इसका हमारा नाइट मोड। मेरा मतलब पूरा दिन शूट करो एडिट करो वैसे ही सरदर्द हो जाता है, जो फोन को मैं रिलैक्स होकर यूज करना चाहती हूँ तो बेटर लगता है कि नाइट मोड पे यूज करूं, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आती, मतलब मजे से आप यूज कर सकते हैं। और इसका नाइट मोड मुझे काफी इंटरेस्टिंग सा लगा, यूज करने में मजेदार सा लगा। अब आगे बढ़ते हैं इस डिवाइस की बैटरी की बात कर लेते हैं। इसके अंदर हमें मिलती है 35 mAh की बैटरी, मतलब ये मुझे लगता है कि 4000 mAh की कर देते तो ज्यादा बढ़िया होता। वैसे मैंने इसका चार्जिंग टेस्ट, ड्रेन टेस्ट, रियल लाइफ बैटरी ड्रेन टेस्ट किया है, वो भी वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो एक दिन मेरी जो हैवी यूजेज है उसके हिसाब से ये एक ही दिन पूरा निकाल पाता है। अब एक्चुअल में कभी कोई इमरजेंसी सिचुएशंस आ जाती है या हम फोन नहीं चार्ज कर पाए या किसी दिन ज्यादा यूज हो गया तो उसमें ये है कि थोड़ी दिक्कत आ सकती है। उसमें अगर 4000 mAh की बैटरी हमें मिल जाती इस डिवाइस के अंदर तो ज्यादा बढ़िया हो जाता, मतलब तो हमें कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन अभी भी अगर आप नॉर्मल यूजेज रखेंगे तो आपका डिवाइस आराम से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं देगा। अगर आप हैवी यूजेज करते हैं, मतलब जैसे कि आप गेम्स बहुत ज्यादा खेलेंगे, एकदम हाई सेटिंग्स पे खेलते हैं या ज्यादा वीडियोस देखते हैं, मूवीज देखते हैं डिवाइस के अंदर, तो आपको ये दोबारा चार्ज करना पड़ सकता है। अब
इसके बाद इस डिवाइस को जैसे मैं कुछ दिनों से यूज कर रही हूँ तो इसकी लुक जो है वो मुझे काफी पसंद आई। मतलब सैमसंग ने काफी सोच के काम किया है इसकी लुक के ऊपर। आप देख सकते हैं कि हमें इसके अंदर जो ग्रेडियंट डिजाइन मिलता है, ग्रेडियंट शेड मिलता है, वो देखने में लुक वाइज काफी बढ़िया लग रहा है। मतलब एकदम ग्लास लुक आ रही है, ग्लास लुक आ रही है, लेकिन एक्चुअल में ये हमारा प्लास्टिक का डिवाइस है जो क्योंकि लुक वाइज देखने में मस्त नजर आ रहा है। दिक्कत ये है कि इसके साथ अगर कवर दे देते तो ज्यादा बढ़िया हो जाता। मतलब बिना कवर के अगर डिवाइस को हम यूज करें तो उस पर स्क्रैचेस जल्दी आती है, थोड़ी शाइन चली जाती है, बट कवर दे देते तो ज्यादा बढ़िया हो जाता। बट अभी भी ठीक है, हमारी लुक वाइज डिवाइस तो काफी बढ़िया है। और अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप लोगों के लिए एक सरप्राइज मैं लेकर आऊंगी, तो जिन लोगों ने इस वीडियो को यहां तक देखा है उन लोगों के लिए है हमारा गिव अवे। So, अगर आप लोग इस गिव अवे में पार्ट लेना चाहते हैं, सैमसंग M40 जीतना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपने कमेंट करना है मैंने ये वीडियो पूरा देखा है। कमेंट्स सारे हिडन रहेंगे ताकि कोई भी आपका कमेंट कॉपी करके ना यूज कर ले, और जिन लोगों ने वीडियो देखा है पूरा वही इस फोन को जीत सके। साथ ही एक और चीज कि मैं एक ही गिव अवे निकाल रही हूँ तो किसी एक को ही मिलेगा। इसके बाद आगे भी मैं कोशिश करूंगी आपके लिए गिव अवेज लेकर आऊँ। जो लोग मेरे ट्रू सपोर्टर्स हैं उन्हें भी मैं कुछ सरप्राइज दूँ, और साथ ही इसका रिजल्ट भी हमारा, इस गिव अवे का रिजल्ट भी हमारा इंस्टाग्राम पे ही निकलेगा। अब इसके बाद ओवरऑल देखा जाए तो सैमसंग M40 जो है वो हमारे लिए एक बढ़िया ऑप्शन बन जाता है। बैटरी जो है वो हमारी थोड़ी सी कम है, मतलब 3500 है, तो आपको दोबारा चार्ज करना पड़ सकता है अगर आप हैवी यूजेज रखते हैं। नॉर्मल यूजेज में वो भी आपको दिक्कत नहीं देगी। तो अगर आप इस डिवाइस को लेना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से बिल्कुल ले सकते हैं। इसका खरीदने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। सो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मैं जल्द वापस आऊंगी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज के साथ। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।